25 से अधिक भाषाओं में गायन करने वाली गायिका अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम धर्मेंद्र शंकर व मां का नाम शुभा था। मां शुभा शास्त्रीय संगीत की गायिका थी। 1972 में पहली बार 6 वर्ष की उम्र में अलका ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कलकत्ता में गायन शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में अलका अपनी मां के साथ मुंबई आ गई। 14 वर्ष की उम्र में 1980 में प्रदर्शित फिल्म पायल की झनकार में गाना गाकर फिल्मी गायन के सफर की शुरुआत की। इसके बाद 1981 में प्रदर्शित लावारिस फिल्म व 1982 में प्रदर्शित हमारी बहू अलका फिल्म में गाना गाया। 1988 में प्रदर्शित तेजाब फिल्म के गाना 1, 2, 3, 4 से बॉलीवुड में बड़ी पहचान मिली। सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 1993 में प्रदर्शित खलनायक फिल्म के गाना चोली के पीछे क्या है गायन के लिए दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अलका ने कल्याण जी, आनंद जी व लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ कई शो देश और विदेश में किया। कई एल्बम में भी काम किया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के गीत शिक्षा का सूरज गीत गायन के लिए अलका को भारत सरकार ने सम्मानित किया। अलका याग्निक को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। उन्होंने 1114 हिंदी फिल्मों में 2486 गाने गाए, 300 से अधिक फिल्में की जिनमें 9000 से अधिक गाने गाए। अलका याग्निक ने कुमार शानू, उदित नारायण के साथ कई प्रसिद्ध गाने गाए। 1990 में नीरज कपूर से विवाह किया। दोनों के एक बेटी सायसा है जिसका विवाह हो चुका है।